आपको कोई टाई वाला केस हुआ था ना भाजी किसी इवेंट में अभी, कुछ क्या हुआ था वो? उसे दोपहर ही अपना पंजाब यूनिवर्सिटी में मेरा कॉन्सर्ट था, तो वहाँ पे कॉन्सर्ट खत्म हुआ तो मैं थोड़ा हाइड करके भागना चाहता था, यानी स्टेज के पीछे से ही गाड़ी खड़ी की थी कि वहाँ पे मैं जाऊँगा और सीधा वहाँ से निकल जाऊँगा, क्योंकि आई वॉज एक्सपेक्टिंग लॉट्स ऑफ पीपल विल कम एंड पतली गली से निकल जाऊँ। हाँ। कोई एक शिकारी को ये प्लानिंग पता चल गई शिकारी उस कॉन्सर्ट में मैंने टाई पहनी हुई थी, रेड कोट एंड टाई, वो टाई पकड़ के सिक्योरिटी वाले आए भी और उस वो लटक गया, कहता मैनू ये टाई चाहिए थी, मैनू ये टाई चाहिए थी मुझे। अब आप सोचो सामने वाला खड़ा है और टाई पकड़ी हो और वो लटक जाए, वो तो जिंदा हम लटक जाएंगे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ओ भाई तेरे को टाई देता हूँ, दो मिनट का सब्र तो कर। दो चार लोगों ने उसका हाथ भी पकड़ा, मैं टाई कैसे भी करके मैनेज करके उतार के दी और मेरे हाथ में 100 रुपए का नोट रख गया, कहता एक और ले लेना। अच्छा, हमने जब भी इनको सुना है, देखा है नूरा सिस्टर्स के नाम से, तो इनमें से एक का नाम है ज्योति और दूसरी का नाम है सुल्ताना। तो पहले तो हमें ये बताइए, आप में से ज्योति नूरा कौन है, सुल्ताना नूरा कौन है? ज्योति नूरा ये है जी। ओके, सुल्ताना नूरा मुझे पता था, मैं दर्शकों के लिए पूछ रहा था। अच्छा, ज्यादातर पाजी ट्रेडिशनल फैमिलीज में लड़कियों को गाने के लिए इतना सपोर्ट नहीं किया जाता, पर आप दोनों ने एक मिसाल कायम कर दी और मुझे लगता है कि इन दोनों बहनों को देख के हर माँ बाप चाहेंगे कि उनकी जो बच्चियां हैं उनका नाम रोशन करें। ये नूरा सिस्टर्स अपने आप में एक मिसाल है। थैंक यू। इनके पूरा परिवार जो है टैलेंट से भरा पड़ा है, बाहर पेमेंट जाने नहीं देते। तो इनके पिताजी हैं जो बहुत अच्छा हारमोनियम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, इनके छोटे भाई हैं जो यहाँ पे तबले पे आप इनको देख रहे हैं, और दोनों बहनों को तो आप सुनते ही रहते हैं, और मम्मी भी पक्का ही गाती होंगी फिर? नहीं, मम्मी गाती नहीं है। आता होगा पक्का, बताती नहीं होगी किसी को। हाँ। अच्छा, आप दोनों मिलके गाती हैं तो आप डिसाइड कैसे करते हैं कि ये लाइन मैं गाऊंगी ये तू गाना? कभी ऐसा हुआ कि दोनों एक दूसरे के भरोसे बैठी रहो, म्यूजिक खाली निकल गया हो? ऐसा तो नहीं कभी हुआ? नहीं नहीं, पहली बात तो ये है कि हम दोनों डिसाइड तो करते नहीं इतना। अच्छा। क्योंकि पापा को पता है हम दोनों झगड़ते बहुत है आपस में। अच्छा। क्योंकि फिर वो ही कंपोजिशन बनाते हैं और वो ही लिरिक्स देखते हैं। ओके। तो फिर उनका ही सारा होता है कि इनकी लाइन पहली होगी और दूसरी लाइन मेरी होगी। अच्छा। वही डिसाइड करते हैं। पाजी, ये बात कहां तक सच्चा, आपको दीपिका पादुकोण पे बड़ा क्रश है? हमने सुना है कहीं से। क्रश तो आपको भी है। वही मैं इसलिए कि जब आपको पता था ऑलरेडी मेरा क्रश है, फिर आप मतलब। और यार क्रश तुम्हारा और मेरा क्या करेगा, बाजी तो बाजीराव ले गया। कौन है आप दोनों, किनका बच्चा लेके भाग रही हैं आप? अच्छा, बच्चे की बात देखो, कर कौन रहा है, जो खुद शादी से कोसों दूर भागता है। यार बोल के सारा सस्पेंस मार दिया तुमने। चंदू तू ये क्या पहन के घूम रहे तुम लोग? हाँ तो कुछ पहन कर ही घूम रहा, मैं कौन सा नंगा घूम रहा हूँ? यही बात मेरे से क्यों नहीं पूछी? आप क्या पहन के घूम रहे हैं आप? मैं यह पहन के घूम रहा हूँ जो दिख रहा है भाई। अच्छा, डॉक्टर साहब का ये बड़ा है, ये कुछ भी पहन लेते हैं, आज तो फिर भी सामान कम पहना हुआ है। सुखी बाजी। ओह अनुरा सिस्टर्स, की हाल है बाजी? वाह वाह वाह, हेलो जी, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब पूरा माहौल बना हुआ है। हेलो, डॉक्टर साहब इधर बैठिए बैठिए, आराम से बात करिए। ऐसे कौन आराम दिलाता है भाई? बट कपिल शर्मा जी, कैन आई जस्ट इंट्रोड्यूस myself टू आवर esteemed गेस्ट? जी जी प्लीज। आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटी, डॉक्टर मिश्र गुलाटी, हेलो डॉक्टर मिश्र गुलाटी, हेलो हेलो जी, MLA। अभी आप कह रहे हैं डॉक्टर, अभी कह रहे हैं MLA, MLA क्या मतलब? शीतल साहब इनको MLA का मतलब नहीं पता।
इतने कंट्री में एमएलए हैं, मुझसे मतलब पूछ रहे हैं आपकी एमएलए का मतलब क्या है? भाई एमएलए का मतलब म्यूजिक लवर और देन एंड सारे आपके जो छोटे से परिवार है उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार। तो डॉक्टर साहब आपको कैसे पता इनका परिवार छोटा सा है? तुमने सुना नहीं छोटा परिवार सुखी परिवार? ओहो मेरे को हर चीज मेरे से पूछनी है। ये तुम दोनों बने क्या हुए हो? देखिए हम बताते हैं नूरा जी, जैसे आपका बड़ा अच्छा नाम है नूरा सिस्टर्स, तो हमने आपका नाम थोड़ा सा चुरा कर ना अपना ग्रुप खोल लिया है। आप नूरा सिस्टर्स हैं, हम नूरी सिस्टर्स बने। नाम चुराने से क्या होता है, नाम तो तेरा भी चंदन है, कितनी गंदी स्मेल आती तेरे पास। तो कोई बात नहीं, कुछ आता या कुछ जाता थोड़ी है। खबरदार खबरदार, अगर मेरी सिस्टर को कुछ कहा तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा आपसे बुरा? आपसे बुरा तो आपके बगल में खड़ा है। तुम्हारे मुंह खराब होने की वजह से मेरी बात कट गई। हमारे ना ये खानदानी काम है, ऐसे नहीं हम लोग ये लेके घूम रहे। हाँ। कौन सा खानदानी काम? आपके खानदान में कौन गाता था? नहीं गाने का नहीं, औरत बनने का। मेरे डैडी को ना लड़की बनने का बड़ा शौक था, वो तो इतना ज्यादा शौक था खुद की शादी पे दुल्हन बन गए थे। मेरी बात सुन, ये लोग आए हुए हैं यहाँ पे हमारे इंट्रोडक्शन वगैरह कराओ, ये तुम टाइम खराब कर रहे हो बहस वगैरह करा के। हमारे जैसे मैं करवाता हूँ। हाँ जी, जैसे आप सब सुरों के बादशाह हैं, ये सुरों के बादशाह हैं। ये कीचड़ में लेट के गाते हैं, इनको कुछ सुनता सुनता है नहीं इनको। कीचड़ में यस लेट के गाते हैं, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। इन्होंने तीन चार बार आउट ऑफ कीचड़ गाने की हमने कोशिश की, लोगों ने वापस कीचड़ में खींच लिया, तो हमने कहा फिर आना ही है कीचड़ में, तो टाइम क्यों वेस्ट करना, इवेंट लंबा जाएगा तो कीचड़ में पहले ही रहो, प्रोग्राम लंबा खींच जाता है कई बार। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं आप, अपने ग्रुप की बेइज्जती कर रहे हैं। कितनी देर तक हम होल्ड कर पाएंगे तुमको पता ही है। कैसे मतलब? तुमने यहाँ गाया नहीं, हमारी बेइज्जती हुई नहीं, ये तो होना ही है। तो कोई बात नहीं, बेइज्जती से वैसे मेरा याद आया, यू नो वी हैड ए इवेंट इन दुबई। ओह लास्ट वीक। दुबई आप कहाँ चले गए? पासपोर्ट आपके पास है नहीं? राशन कार्ड में वीजा लग गए थे? नहीं नहीं, वहाँ पे इतनी इतनी मिट्टी थी, वहाँ पे रेत था बहुत। नहीं वो रेत नहीं थी, वो जूहू बीच था, गड्ढे में गाड़ा हुआ था आपको। अच्छा। हाँ जी। अभी मैं कहूँ मेरे मोबाइल पे इंटरनेशनल रोमिंग के चार्जेस क्यों नहीं आ रहे? डॉक्टर साहब ऐसा क्या गाया था आपको जमीन में गाड़ दिया उन्होंने? भाई ये तुम्हारी जो फरमाइश करने का स्टाइल है मुझे बड़ा अच्छा लगा। नहीं सीधा ही बोल दो ना कि गा दो डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब तैयार है? ऐसा क्या है? आओ जी। मैंने कब कहा गा दो? अब हम बैठ गए। डॉक्टर साहब माइक तो है नहीं, स्टैंड पे गाओगे आप? हैं जी? गाने में माइक लगता है? अरे सुर कौन सा चाहिए आपको? आई एम वेजिटेरियन, मेरे को ऐसा कुछ नहीं चाहिए। ओके। क्या बात है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा गाया। कॉल कर रहा है आपको मैं लिटा के मारूं। आप मेरी बात सुनो, शरेआम आप नूरा सिस्टर का गाना उसको तोड़ मरोड़ के आप गा रहे हैं और आप कह रहे हैं आपका गाना ये? आप मुझे बड़ा सीधा यहाँ पे ला रहे हैं, आप भी तो तोड़ मरोड़ तोड़ रहे हैं मेरे को। ये शरेआम पटाखा गुड्डी, उन्होंने गाया गाना। तो पटाखा गुड्डी है ना, हमारा तो पटाखा पड़ा मुंह पे है। जी इसको धक्का मार मार के तो हमारा सांस ही फूल गया। अरे डर मत, घबरा मत, मर्द बन, मर्द बन। इतनी मुश्किल से औरत बनी, अब दोबारा मर्द बन जाए? अरे संतोष छोड़ उनको, देखना इनको देख, इतने लोग बड़े बड़े कलाकार बैठे। अरे 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 हाँ आप लोग आए हुआ। नमस्ते 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 नमस्ते। हम किए रब्बी जी को नहीं किया तुमने नमस्ते, उनको नहीं जानती क्या? ना ना हम तो उनको जानते हैं लेकिन वो खुद को ही नहीं जानते। मतलब कब से पूछते रहते हैं बुल्ला की जाना मैं कौन। आपको पता है ज्योति सुल्ताना जैसे आप लोग छोटे से शहर से निकल के आज वर्ल्ड फेमस हो गई हैं, पर इनको कोई नहीं जानता। मुझे बेटे आपका मुंह पसंद नहीं आया है।
हमारे अंदर टैलेंट बहुत है लेकिन क्या है कि हमको कोई चांस देता नहीं है, इसके लिए हम अपना खुद का स्टूडियो खोल लिया है। और हमको ओवर कॉन्फिडेंस था इस बात का कि आप तो रिकॉर्डिंग करने आएंगे नहीं, इसलिए हम स्टूडियो ही दे लिया है। सुखविंदर जी इधर आइए, आप मुहूर्त कीजिए स्टूडियो का, हम लोगों ने बनाया है तो आप आइए गाना गा दीजिए। अरे ऐसे कैसे है, अकेले थोड़ी गाना गाएंगे, हम भी गाएंगे इनके साथ। गा दीजिए, डुएट गा। देखिए चलिए, टैलेंट से टैलेंट टकराएगा तभी तो टैलेंट का मलबा बाहर आएगा। आइए ना हमारे स्टूडियो में, स्टूडियो में आइए आइए आइए, अरे आइए ना आइए। देखिए साउंड बाहर नहीं निकलना चाहिए, दरवाजे को बंद कर दीजिए। अरे बंद कीजिए। अरे गाना गाइए, थोड़ा खोलिए। अरे देखिए थोड़ा सा छोटा बन गया है स्टूडियो। कोई बात नहीं, अगर गाना नहीं हुआ तो इनका सम्मान कर दीजिए सुखविंदर। देखिए चलिए आपका सम्मान में ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक मिनट इधर आइए, दोनों का फोटो खींच लेते हैं। फोटो हो गया, अभी हम आशीर्वाद भी ले लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे ये गृह प्रवेश करेंगे। अरे आइए आइए, कितना है, अच्छा है, बढ़िया हो गया। अच्छा सुनिए, आप दोनों का शादी हो गया है, अब यहाँ पे आप हनीमून मनाइए। ओए ये तुम लोग क्या कर रही हो, धोखे शादी करा रही हो? तुम लोग तो एल्बम बनाने आई थी अपना। हाँ तो बना तो दिया, अब इनकी शादी का एल्बम में फोटो खींचे तो है। गुजारिश करते हैं कि इनका विदाई का गाना गा दो, हमारे सिर से बल्ला टली। चलिए बाय। कहाँ बाय? अरे आज, अरे मैं तुम्हें एक बात कहनी भूल गया। क्या? गेट आउट, बदतमीज औरत। ये इनकी बात में कहाँ आगे बाजी, बहाने बहाने में शादी कर लेती है, 115 शादी कर चुकी है। अरे शादी सबसे होती है, टोली कोई नहीं लेके जाता इसकी, खुद ही टोली का काम। ये तुम्हारा वो भी, ये लो। चल चल चल, एक बार सारी टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाएगा। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates